जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो उसका काम करते हैं किसी पार्टी का, उसको एमएनएम में बना देते हैं। तो जब हम काम के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमने तो आपसे वोट ही नहीं लिए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग, जैसा पहले इलेक्शन होता था, हम उनको नई चीज नहीं मांग रहे। हम चाह रहे हैं कि हमारे इलेक्शन हो, हमारे लोग सिलेक्टेड हो, वो जीत के असेंबली में जाए और अपने लोगों के काम करें और अपने लोगों के काम कर सके। ये सबसे बड़े ये दरपेश है कि जो नुमाइंदे हमारे लिए, नुमाइंदगी के लिए चुने जाते हैं पार्टियों की तरफ से, वो पार्टी के चुने हुए लोग होते हैं, ना कि हमारे वोटों से चुने गए होते हैं। जब हम अपने मसाइल उनके पास लेकर जाते हैं, वो ये कहते हैं जी हमने अपनी पार्टी के हुक्मरान का कहना मानना है। बताऊँ, हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं ना, वो कोशिश ये करते हैं कि हम लोग पढ़े और यहाँ से निकल जाए। बाय कोई एक बंदा बताए जिसने BA MA किया और उसने झाड़ू पकड़ा हो, कोई एक बंदा बताए? सर बहुत सारे हैं। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मसीहा पार्टी के नुमाइंदगान और उनके जो लीडर्स हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। क्या मसला है, कहाँ पे आप जो है इलेक्शन चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी हल्का बंदियाँ की जाए और हमारा इलेक्शन हो। हर जिले में हम एक MPA चाहते हैं, दो जिला में एक MNA चाहते हैं और हर डिवीजन में हम एक सेंटर चाहते हैं। तकरीबन 22 साल से हमें नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो उसका काम करते हैं किसी पार्टी का, उसको MNA में बना देते हैं। तो जब हम काम के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमने तो आपसे वोट ही नहीं लिए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग, जैसा पहले इलेक्शन होता था, हम उनको नई चीज़ नहीं मांग रहे। हम चाह रहे हैं कि हमारे इलेक्शन हो, हमारे लोग सिलेक्टेड हो, वो जीत के असेंबली में जाए और अपने लोगों के काम करें और अपने लोगों के काम कर सके। पहले कैसे काम होता था? पहले हमारे लोग थे, MNA बनते थे, MPA बनते थे, तो वो लोग उनके पास जाते थे, वो वोट लेके जाते थे ना, काम करते थे। अब जो सिलेक्टेड लोग हैं वो काम ही नहीं करते। वो कहते हैं कि हमने आपसे वोट नहीं लेते। वो अपनी पार्टी को तजरी देते हैं, कोई PTI को ज़्यादा तजरी देता है, कोई नून को देते हैं, उनकी बात मानते हैं, हमारी बात नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म अगे हम अपील करते हैं कि साडा जो हुकूमत वक्त अगे कि साडा इलेक्शन दिता जाए। सानू सिलेक्शन जी मंजूर नहीं। पाकिस्तान च तकरीबन हर कोने ते असीं एहतजाज वगैरह करा चुके हैं। 1 सितंबर को इतने लाहौर प्रेस क्लब के तकरीबन 1000 साढ़े ना लोग से, असी इतने भी सैमीनार किया, बहुत बड़ा किया। असी महीने च 2 दफा इतने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन नहीं। हमारी हल्का बंदी की जाए, जैसे मुस्लिम लोगों की हल्का बंदी की है कि 2 लाख पे एक MNA बनता, हमारा भी बना दिया जाए। जैसे 1.5 लाख पे एक MPA बनता, वो भी बना जाए। जबकि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में है ना, वो 5000 में MNA बना देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सीटों में इजाफा। आपकी पूरे अपना जो मुल्क है उसके अंदर कितनी तादाद? हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन जो हमारा ना 1 करोड़ वोट रजिस्टर्ड है, सब नॉन मुस्लिम का। तो जो पाकिस्तान में पार्टी मसीह बरादरी अकेली या दूसरे नॉन मुस्लिम? अच्छा, तो नॉन मुस्लिम में अगर हिंदू आपको क्यों वोट डालेगा? वो भी नॉन मुस्लिम है ना। नॉन मुस्लिम तो नहीं, एक्चुअली हम जो बात कर रहे हैं वो, एक मिनट सर, वो भी हमें वोट डालेगा, वो भी नॉन मुस्लिम है ना। वो भी जब हमारा सिस्टम लाता हो जाएगा तो वो भी वोट डालेगा। हम चाह रहे हैं कि हमें डबल वोट दिया जाए, एक हमें मुस्लिम बरादरी को वोट दे, जो एक हमारा MNA MP हम उसको वोट दे। वही कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं ना अकलियत को, अकलियत हिंदू जो है वो आपको क्यों वोट डालेगा जी? हम जो मुसलमान जो है वो आपको आपको क्यों नहीं वोट डालेगा? नहीं, वो भी वोट डालेगा ना। हाँ, वो भी वोट डालेगा। जैसे हम 74 साल से उनको वोट दे रहे हैं, वो भी हमें वोट देंगे। जो पार्टी में ना, पार्टी में मजहब का कोई मसला नहीं होता। हम चाहते हैं कि अगर हुकूमत हमारी बात नहीं मानती तो हम हर हल्के में अपने MNA MPA खड़े करेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन में करेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारी मिनोरिटी की सीट्स हैं, जो पहले ये पाकिस्तान बनने के बाद जो सिस्टम चल रहा था कि इलेक्शन के साथ हमारे नुमाइंदे मुंतखब होते थे, अब उसके बाद ये कुछ अर्सा ये सिस्टम बना दिया गया है कि जो पार्टीज़ के चेयरमैन हैं, नून लीग, PTI या जो भी पार्टी है, पीपल पार्टी, वो हमारे ऊपर जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं मिनोरिटीज़ की, वो अपनी मर्ज़ी के साथ मुसल्लत कर देते हैं। ना कि हम लोग उनको चुनते हैं, बल्कि वो लोग उनको हमारे ऊपर थोप देते हैं। हमारी रहाइश लाहौर की, हमारे ऊपर साहिवाल का MPA MNA ला के बटा देते हैं, जिन्हें हम ना तो शख्सी तौर पर जानते हैं ना ज़ाती तौर पर जानते हैं। हमारा हुकूमत से यही सिर्फ मुतालबा है कि हमें अपनी नुमाइंदगी करने वाले लोगों को खुद चुनने की इजाज़त दी जाए
हमारे इलेक्शन को बहाल किया जाए, ये सिलेक्शन सिस्टम को ख़त्म किया जाए ताकि हम उस नुमाइंदे को वोट दें जो हमें शख्सी तौर पर जानता है और हम उसे जानते हों। अच्छा, इस निज़ाम की वजह से आपको क्या मसाइल, क्या है मसाइल, क्या दरपेश है? मसाइल इनमें सबसे बड़े ये दरपेश हैं कि जो नुमाइंदे हमारे लिए नुमाइंदगी के लिए चुने जाते हैं पार्टियों की तरफ से, वो पार्टी के चुने हुए लोग होते हैं, ना कि हमारे वोटों से चुने गए होते हैं। जब हम उन अपने मसाइल उनके पास लेकर जाते हैं, वो ये कहते हैं जी हमने अपनी पार्टी के हुक्मरान का कहना मानना है, उन्होंने हमें हायर किया है सीट के लिए, उन्होंने हमें रखा है इस पार्टी के अंदर, MPMA ने उन्होंने बनाया, ना कि आप लोगों ने हमें बनाया अपने वोटों से। हम चाहते हैं हमारे वोटों से हमारे नुमाइंदे मुंतखिब हो, जो हमारी बात सुन सके, हमारे मसाइल सुन सके और हमारे हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। इस मनोटिस की सीट के अंदर ना कि सिर्फ मसीह लोग आते हैं, बल्कि हिंदू लोग भी हैं, सिख लोग भी हैं, जितनी भी पाकिस्तान की नॉन मुस्लिम कमेटीज़ हैं वो सारी इस सीटों के अंदर मौजूद हैं। जब इलेक्शन सिस्टम शुरू होगा उसमें हिंदू भी मिनोरिटी की सीट पर इलेक्शन लड़ेगा, सिख भी लड़ेगा, मुस्लिम तो अपने लड़ेंगे ना सर। तो यही बात है ना, मुस्लिम ही अपना लड़ेगा। अगर आप हिंदू सिख सबके साथ आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, कोई मुसलमान जो है उसके साथ क्यों नहीं आप कंफर्टेबल समझते? मुसलमान की जो सीटें हैं हम उनके बारे में सर बात नहीं कर रहे, वो अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं और शुरू से लड़ रहे हैं, अभी भी इलेक्शन के साथ हमारे मुस्लिम भाई आते हैं। तफरीक तो कोई नहीं है, कोई भी मुसलमान जो है वो किसी क्रिश्चियन, कोई भी क्रिश्चियन खड़ा हो सकता है, कोई भी मुसलमान खड़ा हो सकता है। आपका कोई बंदा जो है वो अपना क्रिश्चियन को वोट दे सकता है, क्रिश्चियन जो है मुसलमान को दे सकता है, तो झगड़ा क्या है? झगड़ा सर हमारा मुस्लिम क्रिश्चियन के हवाले से नहीं है वोटों का, हमारा उन सीटों के हवाले से है जो माइनॉरिटीज की सीट्स हैं, जो सिलेक्टिव आपके जो लोग हैं माइनॉरिटी के बैठे हुए हैं असम्बलियों में, पंजाब असम्बली में बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं जी, जो 38 लोग उनके पास जाएं, उनके पास अपनी जाके मसाइल हल करवाएं। सर वो नहीं सुनते ना, उन्हें पार्टी ने सिलेक्ट किया हुआ है, वो वोटों के साथ नहीं आए, वो कहते हैं हमें आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया, मेरा जो पार्टी का लीडर कहेगा मैंने वो करना है, हमारा कोई मसला दरपेश होता है वो हमारे हक की खातिर आवाज नहीं उठाते, जब तक कि पार्टी का हुक्मरान उनको इजाजत नहीं देता कि आप इस पे बात करें। जब कोई नुमाइंदा वोटों के साथ आएगा, आजादाना इलेक्शन लड़ के आएगा, फिर वो हमारे हक के लिए आवाज़ भी बुलंद करेगा और हमारे लिए खड़ा भी होगा। हम इस बात की कर रहे हैं कि ये जो मिनोरिटीज की सीट्स हैं जस्ट, ना कि पूरे MPMA ने जिमनी इलेक्शनों की बातें हो रही हैं, इसमें हम अपने मुस्लिम भाइयों को उसी तरह वोट देंगे जिस तरह पहले देते हैं, लेकिन जो दोहरे वोट का पहले सिस्टम था अब उसको दोबारा लागू किया जाए, क्या हम अपने नुमाइंदों को लहदा से वोट दें और मुस्लिम भाइयों को लहदा से वोट दें, मुस्लिम भाइयों को लहदा से वोट दें और अपने लोगों को लहदा से वोट दें। आपका क्या नाम है? अनवर मसीह सर। आप क्या? सदर पंजाब पाकिस्तान मसीहा पार्टी। अच्छा, सदर हैं आप? जी मैं पंजाब। तो क्यों आज आप निकले हुए? हम इधर इसलिए निकले हैं भी साढ़े इस मुल्क दे विच मुल्क हर जात का नहीं है, सब का है। अगर क्रिश्चन मुल्क च रह रहे तो भी मुल्क है, जे हिंदू रह गया तो भी मुल्क है, सिख रह रहा तो भी मुल्क है, जे मुसलमान रह रहे शरीयत दे विच उहदा भी मुल्क है। सब ने अपनी कुर्बानियां दे के मुल्क बनाया, उहदे च कोई दोहरी रायत है नहीं, ना कोई शक वाली गल है, मुल्क सब ने रल के बनाया अपनी कुर्बानियां दे के। तो कलीतां जिन्नियां पाकिस्तान दे विच वस रहीयां ने उन्हां नूं उहनां दा हक नहीं दित्ता जांदा। नहीं दिता यार, पाकिस्तान दे विच जिहड़ियां अकलीयतां हैगियां अकलीयतां नूं कोई हक नहीं, मसलन की हक नहीं दिता जांदा, इलेक्शन दा हक साडे कोल है ही नहीं। अच्छा, ताडे ताडी 33-34 जिहड़ियां सीटां ने उत्थे फारग ने, मेरे मुताबिक फारग ने, पाकिस्तान मसीहा पार्टी दे पैनल दे उत्ते फारग ने। पाकिस्तान मसीहा पार्टी चाहती है हमारे इलेक्शन दिते जाण, साडे बंदे जित के असम्बलियां च जाण, माड़ा बंदा जो भी जावे उहदे कोल अपना मसाइल लै के उहदा उहनूं हक उह लै के देगा, लेकिन हुण तुसीं जांदे हो तो उहदा हक उहनूं नहीं मिलदा। नहीं, वो तो आपके अपने लोग ही ना दे रहे, तो साडे हक है नहीं ना साडे अपने लोग, असीं चुने ही नहीं दे। अच्छा, वो तो चुने ने पीपल पार्टी ने या तरीके इंसाफ ने या नून ने चुने, असीं तो चुने ही नहीं दे। मेरे वोट ना तो शबाज शरीफ आया, तो फर्क क्या पड़ रहा है आपको? फर्क तो बहुत पड़ रहा है, हमारी नुमाइंदगी नहीं हो रही, नुमाइंदगी नहीं हो रही, नुमाइंदगी नहीं हो रही, जब हमारी नुमाइंदगी तद होगी जो साडा बंदा असेंबली च जित के जाएगा वोट लैके, जिवें किसी दौर च जे सालक गया सी अपना हक दा आगाज करेगी, हम इलेक्शन चाहते हैं सिलेक्शन नहीं। वो आपकी फीमेल किधर गई है, उनसे बात करनी है। शुक्रिया भाई साहब, वो गल थोड़ी जी रह गई है, असि जे सालक वाला सिस्टम नहीं चाह रहे, हलका MPA का हलका सारा पंजाब हुंदा सी,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮਤਲਬ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 10 MLA ਦੀਆਂ ਤੇ 7-8 MPA ਦੀਆਂ, ਤੋ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ MPA, ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ MLA ਨੇ, ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਹਰੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਬਤਾਏ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਤੀ ਹਾਂ? हम लोग यही कह रहे हैं जी, देखिए इतने साल से हम लोग माइनॉरिटी के तौर पे जो है ना वो पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, हकूक जो है वो ना होने के बराबर है, जबकि फ़राइज़ हमारे हमसे पूरे लिए जाते हैं। उस वक़्त ये नहीं बोला जाता कि ये माइनॉरिटी है, लेकिन वो कहते हैं कि जी हाँ, जब फ़राइज़ की बारी आती है तो उस वक़्त कहते हैं कि जी सब साथ हैं। आपको आपको खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती, कहाँ पे आपके हकूक की जो है सलब किए जा रहे हैं? सर बात सिर्फ इतनी सी है कि रिज़क जो है ना वो खुदा देने वाला, ना तो कोई हुकूमत देती है और ना कोई इंसान दे सकता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर जो अक्सरियत है मुस्लिम लोगों की, उनको अच्छी जॉब्स अवेलेबल है। हमारे लोग कम पढ़े लिखे नहीं है, आप देखेंगे हर शॉप पे लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे उद्योग पे अपना फायदा है। सर जी बहुत जगह जो है ना आपका जब चेहरा चलता है, चेहरा जो रोजाना आपका चलता है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जो है आपको फराहम की जाती है हर तरफ जो है। मतलब एक अगर मुसलमानों की अगर मस्जिद है तो उसको तो सिक्योरिटी आज तक नहीं हमने देखी इस कदर ज्यादा जो है। आपका जब भी ये चर्च चलता है उस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी। ये अब ये सवाल ही इसी बात का जो है ना वो निशानदेही कर रहा है कि देखिए अगर सिक्योरिटी करते हैं, देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो ये कोई आसान नहीं है हम पर। जब हम इस तो आपके हकूक तो मिल रहे। सर मेरी बात पूरी होने दें ना, कि अगर अगर सर हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमने अपनी जानें दी, उतना ही ब्लड मुस्लिम लोगों का जो है ना वो यहाँ पे बहाया गया और उतना ही हम लोगों ने भी दिया, तो फिर हमें जो चीज दी जाती है उसको फिर बार बार नोटिस। खास चीज बताए ना, कोई खास चीज बताए ना जहाँ पे आपके साथ ज्यादती हो रही है। सर आप मुझे बताएं कि पहली बात तो ये कि हमारे ऊपर जो जो माइनॉरिटी का लेबल लगा होता है ना कि ये जो है ना ये फलां चीज का, अभी जॉब्स के भी बारे में आ जाए तो हमारे कोटे मुख्तस है ना, ठीक है। फायदा होता आपको? नहीं सर, नहीं फायदे की क्या बात है। फायदा ये होता है अगर आपको कोटा ना दिया जाए तो फिर आपका जो है वो अक्सरियत में चला जाए। हमारे लोग, हमारे बच्चे BA MA BA BA जो लोग है ना उनको क्या किया जाता है, कोटे के नाम पे और वो क्या कहती है कि माइनॉरिटीज के नाम पे झाड़ू पकड़ा दिया जाता है। नहीं आप मेरी बात सुन, जब बात जब आप करते हैं तो मैं सुनती हूँ, फिर आपका बताएं मेरे इश्यूज पूछ रहे हैं ना, तो फिर मेरा काम बनता है मैं अपने इश्यूज बताऊँ, मैं अपनी तकलीफें बताऊँ। हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं ना वो कोशिश ये करते हैं कि हम लोग पढ़े और यहाँ से निकल जाए। वाए कोई एक बंदा बताएं जिसने BA MA किया और उसने झाड़ू पकड़ा हो, कोई एक बंदा बताएं। सर बहुत सारे हैं, कोई बता, बहुत सारे हैं। मेरी खुद की गली में जो लड़का आता है कूड़ा उठाने के लिए, उसने FA किया हुआ है। FA किया ना, आप MA BA की बात कर रही हैं। तो सर वो भी हैं FA, तो जो मुसलमान है वो भी, उन्होंने भी पकड़े हुए हैं। सर ये बहुत कम लोगों पे, ठीक है। नाजरीन मुसलमान और हिंदू और दूसरी बरादियां जो है वो जो है जो हमारा पाकिस्तान का झंडा है उसके दो रंग है। यहाँ पे ये हमारे मसीही भाई और बहनें मौजूद हैं, इनके जो जायज़ मुतालबात हैं, इनका जो कहना है कि इनके जो अपना रिजर्व सीटों के ऊपर जो है, सीटों के ऊपर जो MPs MNA सेलेक्ट किए जाते हैं वो सिस्टम इनको नामंजूर है, और इनको ये हक मिलना चाहिए कि ये अपने नुमाइंदे खुद चुनें, खुद सिलेक्ट करें और उसके बाद जो है ये जो है उनके पास जाएं और जाकर अपने मसाइल का हल जो है उनसे तलाश कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे, इन अपनी मनपसंद की जो है सारी पार्टीज जो हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून होगी, PTI और तमाम पार्टीज अपनी अपनी जो है मनपसंद के लोगों को सिलेक्ट करती है माइनॉरिटीज़ के नाम के ऊपर, उनको रिजर्व सीटों पे ले आती है, लेकिन ये लोग जो है फिर भी वहीं पर जो है वहीं के वहीं रहते हैं। इनकी हालत में, इनके जो मामलात हैं, इनके लाइफ स्टैंडर्ड में कोई बेहतरी नहीं आती। ये इनका मुतालबा है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और जो पहले वाला निज़ाम है, जब जे सालक जैसे लोग भी असम्बलियों में जाते थे और इन लोगों के जो थे मसाइल हल हुआ करते थे, वो निज़ाम इनको वापस चाहिए। मैं आपका हो जहांगीर याद इसी के साथ आप जाल चाहूँगा अल्लाह ने के बाद।